दिन ब दिन बढ़ रही गर्मी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आज के आरटी टीम की ओर से आम लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि एक तो गर्मी की मार है, ऊपर से लाइट के भी काफी ज्यादा कट लग रहे हैं, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस भारी गर्मी में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर सीएचसी अस्पताल सुजानपुर की एसएमओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लोगों को इस भयानक गर्मी से अपना बचाव करना चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, वे कड़कती धूप में बाहर निकलने से गुरेज भी करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे समय में लोगों को खाने पीने वाली ठंडी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए ताकि इस भयानक गर्मी से उन्हें कुछ निजात मिल सके। की नाम है जी अपना? मेरा नाम अरमान सिंह। ये क्या बारे ये हुई है बत्ती आती रहे तो जरा ख्याल रख, मतलब गर्मी से बंदे बचे रहने और की है, और मतलब कि मूँह मां लेट के बंदा बाहर जाए, गर्मी बहुत है। गर्मी है साल बहुत ही ज़्यादा वा, पिछले साल है ये बहुत ज़्यादा घटी ही, ऐरक ठीक ठाक बहुत ही ज़्यादा वा। आने वाले टाइम दे विच होर ज़्यादा वधनी है। अही तो यो कहने भी मतलब अपना बचा रखो, अपने रमान के नाल कि घर टाइम पास करो। गर्मी इस यानी कि घट पी इस बार ज़्यादा पै रही है जी, बाकी है नींबू पानी मास्क मुस्क ला के जरूरी है, थोड़ा इधर बाहर लड़ाई हो रही है उसकी वजह ना ही फर्क है, क्यों हवा चल रही है ना उस थोड़ा चेंज हो गया। तो यह जी गर्मी है जून जुलाई से पैंती रही है, इस बार ज़्यादा इस महीने नहीं पैंती रही है, वही है भी यानी कि कोई भी है यानी कि आम जन के घरों बाहर निकलना है, नींबू पानी हो गया या ठंडा कोई भी चाहिए, मास्क जरूरी है, अपना बचाव आप ही करना पड़ना। हाँ जी, जैसे कि अभी गर्मी का प्रकोप जो है दिनों ब दिन बढ़ी जा रहा है, वो आप सब तो देख रहे हो, तो इससे हमें यही करना चाहिए कि हमें जो बहुत तेज़ धूप जब होती है उसमें बाहर निकलने से थोड़ा बचना चाहिए। और जैसे हम लोगों को अपनी ड्यूटीज़ के लिए जो भी नॉर्मल रूटीन वर्क के लिए जाना ही पड़ता बाहर अपनी डेली रूटीन डेली एक्टिविटीज़ के लिए, तो अपने साथ अपने पानी की बॉटल और हमेशा घर से कुछ खा के निकलें, ब्रेकफास्ट तो बहुत ज़रूरी है, और एक पानी की बोतल अपने साथ रखें, हो सके तो एक छाता जब बहुत तेज धूप में बाहर निकलना होता तो अपने सिर को कवर करके रखें। दूसरा है कि खूब सारा पानी पिएं, तरल पदार्थ जैसे लिक्विड फ्लूइड्स ये ज़्यादा लें, जैसे आजकल खीरा है, टमाटर है और ग्रीन वेजिटेबल्स, दही, लस्सी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। और जैसे बाहर की जितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं ना, ये बच्चों को स्पेशली हम बोलेंगे कि बाहर की जैसे तली बुनी हुई चीज़ें जो कि ऐसे वो नहीं खानी है, वो कम से कम आपने उसको थोड़ा तवज्जो देनी है, उसकी जगह पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो। दूसरा है कि जैसे आजकल हम लोगों का गर्मी में मच्छरों का ज़्यादा भी पड़ जाता प्रकोप, अभी हमने 25 को मलेरिया डे मनाया, वर्ल्ड मलेरिया डे था, तो उसमें भी हमने यही लोगों को बताया कि अपने आसपास अपनी सफाई का ध्यान रखें, पानी कहीं खड़ा ना होने दें, और हर फ्राइडे को हम जैसे एक ड्राई डे मनाते हैं, और लोग भी अपनी एक आदत बना लें कि हर फ्राइडे अपने घर में एक ड्राई डे मनाना है, उसमें अपना देखना है कि कोई छत पर कोई पानी खड़ा ना हो, कहीं आगे पीछे कोई पानी खड़ा तो नहीं है, और जहाँ पर पानी खड़ा रहता है कैंबरी किसी गली की नाली में या कहीं पे भी कोई पॉन्ड है अगर छोटा मोटा, तो उसमें कोई भी लिक्विड एक चीज़ डाल दे, जैसे कुछ भी नहीं है तो सरसों के तेल की हम बूंदे डाल सकते हैं उसमें, उससे क्या होगा कि जो है वहाँ पे मच्छर जो है वो पनप नहीं पाता है। बस यही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, हम अपने स्वास्थ्य का ठीक रख सकते हैं। थैंक यू।